यस फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो हमने काम किया वो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा काम हुआ है। तो अप टू 14 जो भी पैटर्न थी वो कौन सी पैटर्न थी, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल एरिथमेटिक मीन ऑफ रिलेटिव्स में सिंगल प्रोडक्ट एंड मल्टीपल प्रोडक्ट, ऐसे दो पैटर्न है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सिंगल आइटम विथ मल्टीपल पीरियड्स, मतलब एक आइटम का आपको अलग अलग पीरियड में इंडेक्स निकालना है, एक पैटर्न ये हम देखें। मतलब सिंगल आइटम मल्टीपल पीरियड, फिर से मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिंगल आइटम एंड मल्टीपल पीरियड्स, इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, फिक्स बेस एज वेल एज चेंज बेस। उसके बाद हमने क्या देखा कि आइटम सिंगल नहीं है, एक से ज्यादा आइटम है, मतलब क्वेश्चन हो गया हमारा मल्टीपल आइटम्स, लेकिन एक बेस ईयर के अगेंस्ट एक करंट ईयर का आपको इंडेक्स निकलना था, मतलब एक ही पीरियड था, तो मल्टीपल आइटम है लेकिन सिंगल पीरियड। अब क्वेश्चन का लेवल चेंज हो रहा है जिसमें आइटम मल्टीपल तो है ही लेकिन किसी एक पीरियड के लिए नहीं, लेकिन मल्टीपल पीरियड्स के लिए आपको निकालना है इंडेक्स। तो ये थर्ड पैटर्न है, मल्टीपल आइटम्स एंड मल्टीपल पीरियड्स। तो इसको अच्छा, उसमें फिक्स बेस और चेंज बेस दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन रिफर कर लेते हैं। यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 13। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? ऑल ऑफ यू रीड इट केयरफुली। द डेटा अबाउट सेल्स ऑफ 3 ग्रेन फ्लोर वीट बाजरी एंड चना एट अ फ्लोर मिल फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2015 आर एज फॉलोज। कॉम्प्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एवरेज विद फिक्स बेस मेथड, टेकिंग बेस ईयर 2011 एंड चेन बेस मेथड। अच्छा, और डिटेल्स में तीन प्रोडक्ट है या तीन आइटम है, वीट फ्लोर, बाजरी फ्लोर एंड चना फ्लोर, और सेल्स का डेटा मतलब वैल्यू जो है वो 5 इयर्स के लिए है, 2011, 12, 13, 14 एंड 15। दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में हमको दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे फिक्स बेस इंडेक्स और उसके बाद चेन बेस इंडेक्स। आपको पता चल गया कि पैटर्न कौन सा है, मल्टीपल आइटम एंड मल्टीपल पीरियड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टेक्स्ट बुक के रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो वो इलस्ट्रेशन 6 है और हमारे स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 13 पर इसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले लेते हैं फिक्स बेस मेथड। अंडर फिक्स बेस मेथड तो बेस कौन सा लेना है, 2011 को बेस लेना है। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है उसको हमने पहले यहां पर रख दी है, फ्लोर वीट बाजरी चना 2011 का वैल्यू सेल्स रुपीज लाख में है, 40, 20, 50। अच्छा, 11 आपका बेस ईयर है तो मैं यहां पर बेस भी ले लूं तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2012 का वैल्यू 46, 30, 64 एज गिवन, 2013 का वैल्यू 50, 36, 80, 14 का वैल्यू 56, 42, 96 एंड 15 का वैल्यू 64, 54, 12। अच्छा, सिंगल ईयर में मल्टीपल प्रोडक्ट जो थी उसमें हम क्या करते थे कि बेस ईयर है और एक करंट ईयर है तो हर एक प्रोडक्ट का या हर एक आइटम का इंडिविजुअल हम इंडेक्स निकालते थे, फिर वो इंडेक्स जो हमने निकाला है उसका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम करेंगे तो हमको इंडेक्स मिलेगा एक साल का। ये प्रोसीजर हमको एक नहीं मल्टीपल पीरियड्स के लिए काम करना है, बस वही प्रोसीजर को हमको एक से ज्यादा पीरियड के लिए सॉल्व करना है।
वही पैटर्न हम यूज करते हैं। चलो शुरू करते हैं। फिक्स डेज इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इनटू 100। लेकिन बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर है 2011, और जो बेस ईयर होता है बाय डिफॉल्ट उसका इंडेक्स तो हो गया 100। तो यहां पर हम 100 लिख देते हैं। 2011 की हर आइटम का इंडेक्स 100 रहेगा इंडिविजुअली। चलिए अभी 2012, तो इसमें 46 आपका वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ करंट ईयर 46 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इज 40 इनटू 100। मतलब मुझे सॉल्व क्या करना है भाई? 46 डिवाइड बाय 40 इनटू 100, और इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिखूंगा। यहां क्या करेंगे? यहां हम करेंगे 50 डिवाइड बाय 40 इनटू 100। यहां पर हम क्या करेंगे? 56 डिवाइड बाय 40 इनटू 100, और यहां पर हम करेंगे 64 डिवाइड बाय 40 इनटू 100। क्योंकि मैंने बेस हमारा फिक्स है 40 ही, बेस 2011 का वैल्यू जो 40 है उसी को बेस वैल्यू मान के चल रहा है, तो हर पीरियड के लिए 40 जो है वो अपना डिनोमिनेटर का पार्ट बनेगा। तो 46 बाय 40 इनटू 100, 50 डिवाइड बाय 40 इनटू 100, 56 डिवाइड बाय 40 इनटू 100, 64 डिवाइड बाय 40 इनटू 100। सेम वे फॉर बाजरी आल्सो यू कैन से 30 डिवाइड बाय 20 इनटू 100, देन 36 डिवाइड बाय 20 इनटू 100, देन 42 डिवाइड बाय 20 इनटू 100, एंड देन 54 डिवाइड बाय 20 इनटू 100। ये सब वैल्यू आपको बाजरी के लिए मिलेगी। वही पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे तो चना के लिए 64 डिवाइड बाय 50 इनटू 100, 80 डिवाइड बाय 50 इनटू 100, 96 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 एंड 112 डिवाइड बाय 50 इनटू 100। ये सब वैल्यू हमको मिल जाएगी हर पीरियड के लिए चना। तो वो वैल्यू क्या है वो हम लिख देते हैं। अब वही प्रोसीजर, ये समझाने के लिए मैंने एक कॉलम लिखा हुआ था, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं सीधा उसका फिगर जो है आंसर का वो मैं लिखने वाले हैं, देखते हैं। चलिए ओके, 46 डिवाइड बाय 40 इनटू 100 का वैल्यू क्या है? 115। ओके, 30 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 का वैल्यू क्या है भाई? 150। 64 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 वैल्यू क्या है भाई? 128। ओके, फॉर 2013 50 डिवाइड बाय 40 इनटू 100 125। 36 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 180। 80 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 160। चलिए 2014 के लिए 56 डिवाइड बाय 40 इनटू 100 140। 42 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 210। 96 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 192। ओके चलिए 64 डिवाइड बाय 40 इनटू 100 160। 54 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 270। 112 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 224। अच्छा अभी 2012 का इंडेक्स, 11 का इंडेक्स, इंडिविजुअली हर पीरियड का हम इंडेक्स निकालेंगे, तो मल्टीपल प्रोडक्ट है तो एक साल के लिए टोटल डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा हमको यहाँ पर, ठीक है? जैसे यहाँ पर 100 100 100 टोटल 300 डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर होगा इंडेक्स का 100। वैसे भी बेस ईयर का इंडेक्स 100 ही रहता है। चलो यहाँ टोटल क्या हो रहा है? 115 150 128, कितना टोटल हो रहा है? 393। एंड दैट इज डिवाइड बाय 3, देन इट विल बी 131। ओके अभी टोटल करो 125 180 160। 465 एंड डिवाइड बाय 3 155। चलिए
140 210 192 टोटल 542 डिवाइड बाय 3 160 270 224 टोटल कितना हो रहा है 654 डिवाइड बाय 3 218 सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन इंडाइसेस फॉर मल्टीपल आइटम्स एंड फॉर मल्टीपल पीरियड्स ओके अच्छा अब वही क्वेश्चन हम पास सेकेंड पार्ट है चेन बेस्ड मेथड तो सेम डेटा अंडर चेन बेस्ड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे डिटेल्स तो वही है फ्लोर व्हीट बाजरी चना एंड सेल्स 2011-12 अभी ये बेस की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी चेन बेस्ड इंडेक्स कॉलम क्या रहेगी वैल्यू चेन बेस्ड इंडेक्स वैल्यू चेन बेस्ड इंडेक्स वैल्यू चेन बेस्ड इंडेक्स और चेन बेस्ड इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा चेन बेस्ड इंडेक्स इज वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100 चलिए शुरू करते हैं 2011 लेकिन वहां से तो हमारी चेन शुरू होती है तो प्रीवियस ईयर तो अवेलेबल ही नहीं है तो जहां से चेन शुरू होती है उसका इंडेक्स 100 लेके चलना है तो वीक 11 के लिए 100 100 100 तो वही फिगर हमारे पार्ट वन में भी थी तो उसका टोटल 300 तो इंडेक्स भी आ गया 100 चलिए 2012 में ये वैल्यू है लेकिन उसकी प्रीसीडिंग ईयर की वैल्यू 40 है ऑलरेडी फिक्स बेस में भी हम वही फिगर लेके काम करते तो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है सो 46 डिवाइड बाय 40 इनटू 100 115 30 डिवाइड बाय 20 इनटू 100 150 64 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 120 और उसका टोटल 393 डिवाइड बाय 3 131 मतलब ये दो कॉलम तो वही रहेगी कोई चेंज नहीं होगा थर्ड कॉलम से चेंज होगा क्योंकि फिक्स बेस में हम क्या करते थे 50 डिवाइड बाय 40 इनटू 100 करते थे लेकिन ये चेन बेस है तो प्रीसीडिंग ईयर का वैल्यू रह जाएगा मतलब 50 डिवाइड बाय 46 इनटू 100 तो चलो कैलकुलेट करो 50 डिवाइड बाय 46 इनटू 100 कितना आ रहा है 108.70 ओके उसके बाद 36 डिवाइड बाय 30 इनटू 100 120 80 डिवाइड बाय 64 इनटू 100 125 अच्छा ये तीनों का टोटल कितना होगा भाई 353.70 ओके अच्छा लेकिन उसको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा तो इंडेक्स का वैल्यू मिलेगा कितना आ रहा है डिवाइड बाय 3 करने से 117.9 चलिए 2014 पे आ जाते हैं 14 में पहले क्या करते थे फिक्स बेस में 56 डिवाइड बाय 40 लेकिन अभी ये चेन बेस है तो प्रीसीडिंग ईयर का वैल्यू लेंगे मतलब 56 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 112 42 डिवाइड बाय 36 इनटू 100 116.67 ओके 96 डिवाइड बाय 80 इनटू 100 120 चलिए ये सभी चेंज बेस इंडेक्स का टोटल 348.67 और उसको डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं तो ये वैल्यू इंडेक्स का मिल जाएगा जनरल फाइनल इंडेक्स कितना है 116.22 ओके चलिए लास्ट ईयर 2015 64 डिवाइड बाय 56 इनटू 100 114.29 54 डिवाइड बाय 42 इनटू 100 128.57 112 डिवाइड बाय 96 इनटू 100 116.67 ओके अभी इसका टोटल क्या आ रहा है 114.29 128.5
5711.67 359.53 और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो फाइनल आंसर आपका इंडेक्स कितना होगा भाई 119.84 सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन विद मल्टीपल आइटम एंड मल्टीपल पीरियड्स अंडर फिक्स बेस मेथड एज वेल एज इन चेन बेस मेथड Based on this discussion, I can assure you, you can complete up to question number 20. So consider homework is up to question number 20. And now, one more thing I must discuss with you. Presentation जो है ये question का वो बिल्कुल change नहीं करना है. You are not allowed to do so. ठीक है? और आपको इसी पैटर्न से पूरा क्वेश्चन प्रेजेंट करना है कोई बोलेगा कि सर पेपर की साइज के हिसाब से ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर या टेबल बन रहा है या मैच नहीं होता है तो यू शुड मैनेज इट और ये मैनेज ना हो तो यू कैन रोटेट द पेपर ठीक है पेज को रोटेट कर दो लेकिन ऐसा ना हो कि 11 12 13 लिखे और 14 15 नीचे लिख दे नहीं और ये जो फॉर्मूला है चेन बेस की या फिक्स बेस इंडेक्स या फिक्स बेस की वो टेबल के बॉटम में या टॉप पे लिखना जरूरी है तो प्लीज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ओके थैंक यू वेरी मच दिस इज द एंड ऑफ द डे 2